नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, हवाई सफर करना अब हुआ और महंगा। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 5,000 रुपए का इनाम। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का असर हुआ खत्म। देश भर में कोरोना मामलों में हुई रिकॉर्ड गिरावट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में 8 जून तक बढ़ गया लॉकडाउन। बिहार में एक हफ्ते के लिए यानी कि 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 जून तक लॉकडाउन 3 की घोषणा की गई थी, जिसका आज अंतिम दिन होता, जिस कारण आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें लॉकडाउन को एक हफ्ते तक के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने कई तरह की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 8 जून लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसे हम अनलॉक होने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ी छूट दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दुकानें अल्टरनेट खुलेंगी। वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे। खान पान, कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी में नहीं दाखिल होगी कोई जमानत अर्जी। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी में जमानत अर्जी दाखिल नहीं किया जाएगा। इस बाबत पटना हाईकोर्ट ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी 23 मई से शुरू हो चुकी है, जो कि 20 जून तक जारी रहेगी। हालांकि पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर वकीलों ने विरोध जताया है। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने एक पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की के दौरान जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मी छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को नजरअंदाज कर यह फैसला जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का असर हुआ खत्म। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड होते हुए बिहार में भी 3-4 दिनों में काफी तबाही मचाई। हालांकि अब यास तूफान बेअसर होने चला है और सूबे में फिर से धूप खिलनी शुरू हो गई है और तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में बारिश के बाद नमी की मात्रा काफी बढ़ गई है और बिहार में मानसून का इंतजार शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यास चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून की रफ्तार में तेजी आई है। ऐसे में 13 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हो जाएगी, जो कि पूर्णिया के रास्ते आकर पूरे बिहार में अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को, जबकि पटना में और गया में 16 जून को होने के आसार हैं। छपरा जैसे जिलों में 18 जून तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 5,000 रुपए का इनाम। बिहार की नीतीश सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने वालों को प्रोत्साहन देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके मुताबिक दुर्घटना में घायल होने वालों को अगर कोई व्यक्ति अस्पताल तक ले जाता है तो उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर इस पहल पर औपचारिक मुहर भी लग जाएगी। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल सड़क दुर्घटना से 7,000 से ज्यादा मौतें होती हैं और कई बार लोग घायल व्यक्ति की अनदेखी कर पुलिसिया कार्रवाई के डर से भी उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार को भरोसा है कि अगर नगद इनाम दिया जाए तो और भी लोग सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों की मदद करने आगे आएंगे। इसके साथ ही सरकार इस बात पर सख्ती करने जा रही है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों पर पुलिस कोई दबाव नहीं बनाए। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी में अंतरराज्यीय गिरोह है शामिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में संलिप्त अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जिसके तार बिहार से जुड़ते हैं और यहां से कई राज्यों में गिरोह फैला हुआ है। जांच में पता चला है कि कालाबाजारी के पैसे कर्नाटक स्थित किसी शहर के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। वहां से फिर भागलपुर के घोघा के पक्कीसराय की रहने वाली एक महिला सरिता देवी और अन्य के खाते में भेजा गया। साइबर सेल का कहना है कि कालाबाजारी रैकेट में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में सरिता देवी और उसके परिजन, जो कि मजदूरी करते हैं, उनके बैंक खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उक्त महिला को 72 घंटे के रिमांड पर रखा है। गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट लाई गई घोघा पक्की सराय की सरिता देवी ने बताया कि उसके 5 बच्चे हैं और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह मजदूरी करती है। उसने बताया कि उसके भाई राहुल के दोस्त अमित रोशन ने महिला को प्रलोभन दिया था कि बैंक खाता का पासबुक और एटीएम कार्ड जैसे देने पर हर महीने उसे 1,000 रुपए देगा। महिला का कहना है कि खाता खुलवाकर अमित ने अपने पास रख लिया। इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है।
राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास में अब तक नहीं भेजी गई मुजफ्फरपुर की शाही लीची। कोरोना संकट के बीच इस बार दशकों बाद शायद मुजफ्फरपुर की शाही लीची को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजने की परंपरा टूट सकती है। मई माह खत्म होने पर है, मगर अभी तक कैबिनेट सचिव की ओर से शाही लीची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास भेजने को लेकर कोई दिशा निर्देश जिले में नहीं आया है। इस संबंध में सहायक निदेशक उद्यान उपेंद्र कुमार ने रविवार को बताया कि इस बार केंद्र सरकार से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आवास लीची भेजने को लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना संकट को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शाही लीची को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आवास नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि प्रत्येक साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लीची भेजने के लिए व्यापक तैयारियां होती है। लीची में लाली आने के साथ ही कृषि और उद्यान विभाग बाग का चयन कर लेते हैं, फिर इसकी निगरानी की जाती है और खाने लायक होती ही लीची को तोड़कर पैकिंग की जाती है, जिसके बाद रेफ्रिजरेटर वैन से लीची को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा जाता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में लग रहा है कि सालों की यह परंपरा इस कोरोना महामारी में टूट सकती है। पटना से हवाई सफर करना अब हुआ और महंगा। कोरोना संक्रमण से पहले से ही आर्थिक तौर पर परेशान यात्रियों पर अब हवाई जहाज से सफर करने पर अतिरिक्त किराए का बोझ पड़ने वाला है। दरअसल यात्रियों की कमी के कारण विमानन कंपनियां घाटे में चल रही है, जिस कारण नागर विमानन मंत्रालय ने विमानों के न्यूनतम किराए के बैंड में 13-16% तक बढ़ोतरी कर दी है, जो कि कल 1 जून से लागू हो जाएगी। इसके तहत फ्लाइंग टाइम के हिसाब से अलग अलग बैंडों में किराया बढ़ाया गया है, जो कि 300 से 1000 रुपए के बीच होगा। वहीं पटना से दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, चंडीगढ़, अमृतसर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, रांची, वाराणसी जाने में दूरी के हिसाब से अब आपको 300 से 1000 के बीच बड़े दाम में टिकट को खरीदना होगा। बता दें कि इसी साल फरवरी में भी किराए में बढ़ोतरी हुई थी, अब 4 महीनों में फिर से हवाई टिकट के दाम को बढ़ाया गया है। बागमती नदी के उफान पर आने से लोग बांध पर शरण लेने को हो रहे मजबूर। नेपाल से बहने वाली बागमती नदी बिहार के मुजफ्फरपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही ला रही है। दरअसल नदी में जलस्तर काफी बढ़ा है, जिससे नदी उफान पर है। ऐसे में वहां कटरा व औराई प्रखंड के चैनपुर व बहुवारा गांव के करीब 500 परिवार बच्चों व महिलाओं के साथ कटौंजा से अतरार तक बने बांध पर शरण ले लिया है। इस बांध पर लोग अस्थायी झोपड़ियां भी बना रहे हैं, वहीं इनके सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। नदी का बहाव इतना तेज है कि औराई प्रखंड के अतरार व बहुवारा में बना चचरी का पुल भी बह गया है, जिस कारण बाजार से सामान लाने या फिर खेत से चारा लाने लोग नाव के सहारे जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण प्रशासन से भी मदद के इंतजार में लगा है। बिहार में एक हफ्ता के भीतर रिकवरी दर के 99% के करीब पहुंचने की है उम्मीद। सूबे बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि रिकवरी दर यानी कि लोगों में ठीक होने की संख्या हर रोज वृद्धि देखी जा रही है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 5-6 दिनों में रिकवरी दर 99% के पास पहुंच जाएगा और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी। बताते चले कि 19 मई को राज्य में 58,610 एक्टिव मरीज थे, जबकि बीते दिन 30 मई को यह आंकड़ा घटकर 18,377 रह गया। इस तरह 11 दिनों में रोज 3,657 की औसत दर से एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं बीते दिन 30 मई को रिकवरी रेट 96.67% रही, जबकि 19 मई को यह 90.64% थी। इस तरह 11 दिनों में 6% रिकवरी दर बढ़ी है। आपको आंकड़ों के जरिए बता दें कि जब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआती दौर थी, तब बिहार में 28 अप्रैल को रिकवरी दर सबसे कम 77.09% थी। वहीं लॉकडाउन के दौरान 26 दिनों में इसमें 18.29% इजाफा हुआ है। पटना नगर निगम में कल से होगी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नई व्यवस्था। पटना नगर निगम की ओर से जारी किए जाने वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कल से एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। इसके तहत 1 जून से निगम अंचल कार्यालय में ही उप निबंधक जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत निगम के हर अंचल कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी को उप निबंधक नियुक्त किया गया है। बताते चले कि पटना में नए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब निगम के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय पर काम का बोझ कम होगा। दूसरी तरफ लोगों को भी ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी। इसके तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दिए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का निपटारा अचल कार्यालय से ही हो जाएगा। इसके साथ ही अब प्रमाण पत्र जारी करने में महज 1-2 दिन का ही समय लगेगा। पूर्णिया में प्री मानसून में हुए रिकॉर्ड बारिश ने बढ़ाया बाढ़ का खतरा। पूर्णिया जिले का पूर्वी इलाका मानसून आने पर हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, मगर इस बार प्री मानसून में ही रिकॉर्ड बारिश ने जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। इसके तहत प्री मानसून में अब तक 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं यास चक्रवाती तूफान की वजह से पिछले 48 घंटे में यहां रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिस वजह से जिले से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। महानंदा में जहां करीब 4 सेंटीमीटर जलस्तर में वृद्धि हुई है, वहीं परमान, कनकई आदि का जलस्तर भी बढ़ा है। ऐसे में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त राहुल महिवाल ने पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर उन्हें अलर्ट जारी किया है तथा बाढ़ की तैयारी का निर्देश दिया है।
पूर्णिया में दलितों की पिटाई के मामले में तेजस्वी ने सीएम पर साधा निशाना। पूर्णिया जिले में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया के बीजेपी विधायक रविवार को पीएम मोदी की मन की बात सुनने महादलित बस्ती में गए थे, जहां उनके पहुंचने पर महादलितों ने अपनी समस्याओं को सुनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक और उनके बॉडीगार्ड द्वारा गाली गलौज करके उनकी पिटाई कर दी गई। इस घटना से जहां बिहार की सियासत एक बार फिर से जाग गई है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कटिहार राजद के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि सड़क पर जलजमाव से निजात के लिए अनुसूचित जाति जनजाति टोला के लोगों ने जब विधायक से गुहार लगाई तो एमएलए साहब ने अपने अंगरक्षक से सरेआम युवकों की पिटाई करवा दी। भाजपा दंगाई सोच को बढ़ा रही है। दलितों पर नीतीश सरकार में लगातार हमले हो रहे हैं। बता दें कि इस मामले में पीड़ित महादलितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि विधायक इन आरोपों को सरासर गलत बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार समेत अन्य राज्यों को लिखा पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार समेत दूसरे सभी राज्यों को एक पत्र जारी कर टीकाकरण की गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। दरअसल केंद्र सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आस पड़ोस के कुछ राज्य में कुछ प्राइवेट अस्पताल व कुछ बड़े होटलों से करार कर टीकाकरण पैकेज जैसे काम किए जा रहे हैं, जो कि टीकाकरण के लिए बनाए गए नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना है। ऐसे में मंत्रालय ने सभी राज्यों को इससे अवगत कराते हुए ऐसी व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अग्नानी ने पत्र में कहा है कि जो गाइडलाइन के अनुरूप ही टीकाकरण होना चाहिए, सरकारी टीकाकरण केंद्रों के साथ निजी अस्पतालों में चलाए जा रहे प्राइवेट टीकाकरण केंद्र, सरकारी दफ्तरों, बुजुर्गों के घर के नजदीक निर्धारित केंद्र पर ही टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि इन नियमों का उल्लंघन कर वैक्सीन को होटल या स्टार होटलों में भेजा जा रहा है तो तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़ों में कमजोर है भारतीय क्रिकेट टीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से होने जा रहा है। हालांकि कई पूर्व क्रिकेटरों की माने तो फाइनल में न्यूजीलैंड टीम का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब रहा है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी इवेंट्स में कुल 10 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आई है, जिसमें से 7 मुकाबलों में जीत न्यूजीलैंड टीम को मिली है और सिर्फ 3 में भारतीय टीम जीती है। वनडे विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से विराट कोहली की सेना को हार भी मिली थी, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की पहली भिड़ंत 1975 के विश्व कप में हुई थी, जहां न्यूजीलैंड टीम ने 4 विकेट से मैच को जीता था। ऐसे में देखना यह है कि भारतीय टीम इस बार इन आंकड़ों के बल पर जीत या हार की बात को झूठा करार देती है या नहीं। देश भर में कोरोना मामलों में हुई रिकॉर्ड गिरावट। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना मामले में जबरदस्त कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 152,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 3,128 मरीजों की जांच ली गई है। वहीं इस दौरान 238,022 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 20,26,092 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 1,475 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 4,130 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,377 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 96.67% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।